हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू कन्वर्ट एनी काइंड ऑफ नंबर सिस्टम्स, जिसका बेस कुछ भी होगा उसको अनदर बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सर, बाइनरी को चाहूँ तो मैं डेसिमल, बाइनरी को मैं ऑक्टेल, बाइनरी को मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने वाला हूँ। इस वीडियो में पता चलेगा यूजिंग व्हाट साइंटिफिक कैलकुलेटर या वाइस वर्सा, डेसिमल को मैं बाइनरी में, डेसिमल को मैं ऑक्टेल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, या कोई भी सिस्टम को। देखो चार ही होता है दुनिया भर का, लेकिन हम लोग को साइंटिफिक कैलकुलेटर में चार नंबर सिस्टम करना है। कौन कौन सा सर? बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल। चलो मुझे इतना पता है कि तुम लोग कैलकुलेटर देखने आए हो, तो मुझे लगता है कि तुम लोग को थोड़ा बहुत बेसिक्स पता है। बट सर हमको कुछ नहीं पता, तो ठीक है 2 मिनट देख लेते हैं यहाँ पर इसका, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में 2 मिनट में इसमें भी हो जाएगा। चलो बच्चा, बाइनरी नंबर मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर मैंने लिखा 2, इसका मतलब होता है बेस 2। बेस 2 मतलब सर अंदर जो भी होगा ना ये ब्रैकेट के अंदर, वो 0 या तो 1 होगा। वापस बोल रहा हूँ सर, यहाँ पर क्या बोल रहे हो? 2। 2 मतलब क्या होता है? 0 या तो 1। तो यहाँ पर अंदर क्या होगा? 0, 1, 1, 0, ऐसा कुछ तो दिखेगा तुम लोग को। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? चलो आगे बात कर लेते हैं। डेसिमल नंबर मतलब क्या होता है? बेस 10। बेस 10 मतलब क्या होता है मालूम है? इसके अंदर जो होगा ना बच्चा वो 0 to 9 होगा। 0 to 9 मतलब सर इसके अंदर देखो 1, 2, 0, 4, 6 ऐसा कुछ भी लिख दो। यहां तक समझ गया? इतना चीज क्लियर हो गया? डेसिमल नंबर मतलब समझ गया 0 to 9, और इसके अंदर मतलब 2 मतलब क्या होता है? 0 to 1। दो नंबर इसलिए इसको बेस 2 बोलते हैं। देखो यहां से 0 से 9 मतलब 10 नंबर होता है, इसलिए इसको डेसिमल बोलते हैं और बेस 10 बोलते हैं। तो चलो तुम लोग अभी प्लान करो कि यहाँ पर ऑक्टेल नंबर क्या होता रहेगा। ऑक्टेल नंबर मतलब सर नाम में ही काम हो रहा है, ऑक्टेल मतलब होता रहेगा 8। 8 मतलब अंदर जो होता रहेगा ना सर वो 0 to 7 होता रहेगा, मतलब सर 1, 2, 0, 1, 4, 6 ऐसा 7। गलती से भी अगर अंदर 8 लिखते हो और यहाँ पर बेस, तो बच्चा वो इनवैलिड होता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया? 8। 8 मतलब होता है ऑक्टेल नंबर। ऑक्टेल मतलब अंदर जो भी होता है ना ये 8 से कम होना चाहिए, समझ रहा है? फॉर एग्जाम्पल चलो अभी यहाँ पर है ना, थोड़ा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना इसमें, हेक्साडेसिमल मतलब क्या लिखा है यहाँ पर? 16। 16 मतलब क्या होता है बच्चा? 0 to 15। यस और नो? यस और नो, हाँ या ना बोलना है। तो 0 to 15 देखो, 0 to 15 देखो यहाँ पर कैसे लिख रहा हूँ, 0 to 15। यहाँ पर इसको लिखने का पैटर्न है ना अलग है। क्यों सर? क्योंकि देखो 0 to 9 तो एक नंबर दे रहा है, लेकिन अगर तुम लोग 10 करने का चाहोगे ना 10, तो ये तो 10, ये तो इसके अंदर का ही आ रहा है, समझ रहा है? तो यहाँ पर इसका नामकरण चेंज हो गया है सर। क्या है? 0 to 9 रहेगा, ए बी सी डी ई एफ। इसका मतलब सर अंदर जो भी रहेगा ना वो 0 to 9 नंबर रह सकता है, एंड या फिर चलो या फिर ए से लेके एफ तक, याद रखो। अच्छा समझ गया सर। चलो अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटर में। सबसे पहले यहां पर देखो कुछ भी नंबर लिख लो यहां पर, लेकिन तुम लोग को बेस क्लियर होना चाहिए कि बेस होता क्या है। क्या डायलॉग मार दिया ना मैंने, चलो भाई स्टेटस पे लगा देंगे बाद में। चलो सबसे पहले क्या करना है, कैलसी को ऑन कर दो। सर ऑन ही है कैलसी, ठीक है मोड दबा दो। मोड दबाया, यहां पर देखो हम लोग बेस के बारे में बात कर रहा था, बेस। तो यहां पर बेस किधर लिखा है पढ़ने आता है थोड़ा बहुत? चलो यहां पर चौथे नंबर पे, तो फोर्थ। यहां तक क्लियर हो गया? देखो फोर्थ जैसे दबाया ना तो यहां पर मेरे को डेसिमल दिख रहा है, लेकिन देखो अगर बाइनरी करना चाहोगे तो यहां पर देखना बच्चा, डीईसी डेसिमल, एचईएक्स हेक्सा। देखो अगर मैं ये दबाता हूं तो यहां पर हेक्सा आ गया, अगर मैं बीआईएन दिख रहा है यहां पर बीआईएन लॉक किया वाला, यहां पर बाइनरी आ गया, लेकिन अगर मैं दिख रहा है यहां पर ओसीटी ऑक्टा, ये दबाया तो ओसीटी आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? चलो ये जो नंबर है ना सर 0 1 1 0 1 ऐसा कुछ, तो ये क्या है, बाइनरी है या डेसिमल है बताओ? बेस 2 है तो इसका मतलब ये बाइनरी है। चलो बाइनरी का बटन कौन सा है? देखो ये पर बाइनरी है, ठीक है बाइनरी लिख दो, यहां तक क्लियर होगा? चलो ये बन, ये जो दिख रहा है ना इसके अंदर पुटअप करते हैं 0 1 1 0 1 0, ठीक है ये 0 1 1 0 1, तो यहाँ पर इज इक्वल टू दबा दो। तो ये तो बाइनरी दिया, लेकिन मुझे चाहिए डेसिमल में, तो चलो डी दबा दो। ये देखो अपने आप दे रहा है, क्या जादू है ना यार, डेसिमल। चलो ऑक्टल चाहिए, ऑक्टल ओसीटी दबा दो। क्या बात है, देखो ऑक्टल मतलब 32 आ रहा है बच्चा, 32 समझता है ना। देखो इसके अंदर कभी भी 8 नहीं दिखेगा सर। कहाँ दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पर 0 0 0, ये मत देखो, इधर से देखो 3 2। सर हेक्सा चाहिए रहेगा तो हेक्सा 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 मतलब कौन सा बटन, ये दिख रहा है, चलो ये दबा दो। देखो क्या लिखा है, 1A। यहां तक समझ गया सबको? तो मतलब मैं बाइनरी से किसी में भी जा सकता हूँ, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, या फिर बाइनरी से हेक्सा। चलो सर वापस कर दो, एक काम करो बच्चा, अगर तुम लोग को यहाँ पर बाहर आने का है तो देखो मैं ऑन दबा रहा हूँ, ऑन दबा रहा हूँ, ऑन दबा रहा हूँ, ये बाहर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। एसी दबा रहा हूँ, एसी दबा रहा हूँ, कुछ बाहर नहीं आ रहा है। तो तुम लोग को कैलसी रीसेट करने के लिए मैंने एक मंत्र बताया था, क्या था एक बार वापस, Shift 9, 3
3 इज इक्वल टू कैंसिल रीसेट होते, नया नया पिक्चर में आ गया। वापस करो सर, क्या करना है, चलो एक काम करते डेसिमल करते, चलो इसका करते 250, यहाँ पर 25 को कन्वर्ट करते। चलो बच्चा ये क्या है 25, अच्छा मैं इधर लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को ना कंफ्यूजन ना हो, मैं इधर लिखता हूँ 10, मतलब ये क्या किसके बारे में जिक्र हो रहा है, डेसिमल। चलो मोड बेस लिखेंगे 4, बाय डिफॉल्ट ये डेसिमल में, ठीक है 25 लिखो, 25 इज इक्वल टू दबा दो। अब किसमें कन्वर्ट करना, देखो यार दुनिया भर का बाइनरी है, ठीक है DIN लिखो, देखो क्या दिख रहा है 11001, ठीक है ऑक्टल दबाएंगे तो 31, अगर मैंने यही बाइनरी में करना चाहता तो देखो बड़ा नंबर आ रहा है 011001, ठीक है कोई तकलीफ नहीं। तो इस हिसाब से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक क्या सीख लिया हम लोग ने, बाइनरी से किसमें भी गए, डेसिमल से किसमें भी गए, ऑक्टेल का देखते हैं। चलो ऑन दबा दो, ऑन दबा दो, ऑन दबा दो। सर वापस बाहर कैसे आने का, अरे बच्चा तेरे को ऑक्टेल का वैल्यू डालने का है, चलो एक काम कर डायरेक्टली ऑक्टेल लिख, ऑक्टेल देखो खाली खाली जीरो दिख रहा है, क्यों जब तुम लोग ने ऑन दबाया ना ये पूरा वैनिश हो गया, लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि इधर से पूरा बाहर आ जाए तो क्या करने का, मंत्र याद रखेंगे, क्या है सर मंत्र, शिफ्ट शिफ्ट 9 3 इज इक्वल टू, ये मंत्र है रीसेट मारने का, ये मंत्र है, ठीक है। वापस चलो मोड दबा दो, फोर्थ में जाओ, ऑक्टेल में करने का तो ऑक्टेल, ऑक्टेल में वैल्यू डालते, चलो एक काम करते ऑक्टेल में ये डाल दो 287, ठीक है बच्चा हाँ या ना 287 लिखाओ। लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज बोलना चाहता हूँ, क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड है, सर ये 2 वैलिड है, 7 वैलिड है पर 8 नहीं है, चलो मैंने गलती से डाल दिया तो क्या होता है 287 इज इक्वल टू, ये देखो क्या आ रहा है सिंटेक्स एरर, मतलब कैलसी पढ़ा लिखा है, हम लोग जैसा नहीं है कैलसी पढ़ा लिखा है, तो यहाँ पर सर क्या करना पड़ेगा, ये 8 इनवैलिड है क्योंकि तुमने 8 लिखा है, तो यहाँ पर वापस आ जाओ बच्चा, एक काम करते 277 लिखते, क्या अभी ये वैलिड है, यस सर, तो लिखो 277 इज इक्वल टू दबा दो, ये ऑक्टल में मिल गया। चलो किधर भी जाने का, किधर जाने का डेसिमल, तो देखो डेसिमल 191 आ रहा है, बाइनरी ये देखो ये आ रहा है, ऑक्टल ये आ रहा है, याद है समझ गया मुझे लगता है तुम लोगों को। चलो ऑन दबा दो, अब ऑन दबा दो यार, चलो मैं हेक्साडेसिमल से किस में भी जाता हूं, हेक्साडेसिमल समझता तुम लोगों को 0 से 9 और क्या होता है 0 से 9 ए बी सी डी ई एफ, ऑसम गाइस। चलो यहां पर चलो स्टार्ट करते हैं, हेक्सा में आ जाता हूं, देखो एच ई एक्स, सर ये 00 की दिखा रहा क्योंकि मैंने ऑन दबा के रखा, देखो ऑन दबा दो, समझ रहे कैलसी तोड़ मत डालना, नहीं तो बटन अंदर जाएगा तो वापस 900 रुपए देना पड़ेगा, समझ रहा है, एक बटन के लिए वापस कोई नहीं बनाता है। चलो यहाँ पर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के अंदर क्या क्या लिख सकते हो, चलो हेक्साडेसिमल सर कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ ना बेस 16, तो प्लीज बच्चा समझो 870AB लिखा, सर ए बी कैसे लिखते, वेट करो यार आराम से होगा, प्यार से करो 870 ए दिख रहा है, ए यहाँ पर देखो यहाँ पर ये रेड, तो ए अपने आप आता है, कुछ करने का नहीं तुम लोग को, समझ रहे हैं यहाँ पर इंजीनियर वाला काम नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ बटन दबाने का, एक बचपन में जो करते थे ना कीबोर्ड वाला वही गेम खेलने का, यहाँ पर बी ए तो बी बी कहाँ पर है देखो यहाँ पर, चलो एक काम करो सी बी डाल दो, सी बी लगा तो ये इज इक्वल टू दबा दिया तो हेक्सा मिला मेरे को, ये यहाँ तक क्लियर है 870 यही मिला, यही सेम टू सेम क्या होता है छप जाता है। चलो इसको अगर मैं डेसिमल में करना चाहता हूँ तो डी दबा दो, देखो डी यहाँ पर कितना मिला 8850108, बाप रे बाप, यहाँ पर समझ रहा है इतना बड़ा नंबर आ रहा है, इसका ओरिजिनल नंबर क्या था जो हेक्साडेसिमल था वो देखो इधर आएगा, यहाँ तक क्लियर करने का, समझ रहा है, देखो कैलसी में थोड़ा पेन लग गया, बाद में मारेगी मम्मी कहाँ से खराब हो गया। चलो ये हो गया डेसिमल, ऑक्टेल का बोलो, ये देखो ऑक्टेल, लेकिन क्या था ओरिजिनल नंबर, यहाँ पर मैंने हेक्सा को बेस लिया था, देखो मतलब हेक्सा मेन बंदा था, तो मैंने यहाँ पर हेक्सा आ रहा है और हेक्सा को ऑक्टेल में आ रहा है, देखो ऑक्टेल में 4160574 कहीं पर भी 8 नहीं दिखेगा क्योंकि ऑक्टेल मतलब 0 to 7 होता है, अगर यहाँ पर हेक्साडेसिमल ठीक है, अगर बाइनरी में करना चाहूंगा तो देखो थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। यहाँ पर मैथ एरर क्यों आ रहा है सर, मैथ एरर क्यों आ रहा है सर, अब बताओ तो मैथ एरर क्यों आ रहा है बच्चा, ये इतना बड़ा नंबर है कैलसी में आ रहा नहीं है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, देखो ना यार एक काम करते बैक कर ले, बैक करने के लिए देखो ये कोई भी इधर का कोई भी बटन दबा दो, ये देखो कितना बड़ा डेसिमल नंबर लिया तो क्या आ रहा था, डेसिमल नंबर कितना आ रहा था, ओके यहाँ पर फिर से एक मिनट वापस वैल्यू डाल देता हूँ, हेक्साडेसिमल था ना बेस अपना, हेक्साडेसिमल 870AB इज इक्वल टू दबा दिया, और चलो डेसिमल में जाने के लिए डी दबा दिया, तो ये 553131, चलो बाइनरी में जाता हूँ, क्यों आ रहा है ऐसा, अब क्योंकि तुम लोग ने क्या कर दिया, ध्यान से समझना बच्चा, बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसको बाइनरी में नहीं आता, अगर तुम लोग ओरली करना चाहते हो मतलब कैलसी में, अरे विदाउट विदाउट कैलसी, यहाँ पर देखो हम लोग ऐसा करते थे, याद करो प्लीज, अगर तुमको नहीं मालूम है तो एक काम करने का प्लेलिस्ट में जाने का, यहाँ पर हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमको दिखेगा, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है बच्चा। तो ये वीडियो में हम लोग इतना ही करने वाले कि क्या हुआ, इनवैलिड कब आता है, जब बड़ा नंबर आ जाता है तो,
बड़ा नंबर के लिए हम लोग को करना नहीं है, यहाँ पर छोटा छोटा नंबर। यहाँ पर ये मैं भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज यहाँ कि बड़ा नंबर नहीं आता। बड़ा नंबर चाहे तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में भी नहीं आता, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं आता। समझ रहा है, ये चीज क्लियर कर रहा है। ठीक है बच्चा, ये वीडियो में हम लोग ने नंबर सिस्टम सीखा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ सीखेंगे। और अगर तुम लोग को कुछ चाहिए रहेगा साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहां पर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो, चलेगा। हम लोग अभी डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।